आपने क्या किया? घर पे अपना सेवन का रोजगार खोल रखा है। हमारे भारत में गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय स्कूलों में कॉलेजों में छुट्टियां रहती हैं। इन छुट्टियों को ज़्यादातर बच्चे घूमने फिरने में समय व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे करौली में अग्रवाल समाज महिला मंडल द्वारा गत 8 वर्षों से इन छुट्टियों का किस प्रकार उपयोग हो रहा है, इन छुट्टियों से महिलाएं वे बच्चियां एक नई कला को सीख रही हैं। सीखने के बाद वे अपना रोजगार चलाती हैं, उसके बाद फिर इन्हीं शिविरों में जाकर नए बच्चों को वे महिलाओं को नई कला सिखाती है। यह प्रतिक्रिया चलती रहती है। कितने दिन से सीख रहे हैं सिलाई को? आपने कहाँ पे सीखा है? यहीं पर सीखा था। कहाँ पे? अग्रवाल समाज में। फिर इससे क्या किया आपने सीखने के बाद? सीखने के बाद साल की थी, उसके बाद मैंने आगे अपना मैंने पार्टिसिपेट किया था एक बार मेहंदी में, तो मैंने सेकंड प्राइज ले ली। तो उसकी हॉबी में मुझे लग गया कि मेहंदी मुझे आगे बनाना है और अच्छा सीखना है। मतलब तो अग्रवाल समाज में सीखने के बाद में आपको कैसा महसूस होता है आज लेडीजों को भी सिखा रही हो बच्चे? बहुत अच्छा होता है, इतनी सही लड़कियाँ आती हैं घर पे, जैसे कि जो अच्छी और भी अच्छा सीखना चाहती है वो घर भी आती है, जैसे यहाँ पे सीख जाती है, फिर वो और सीखना चाहते हैं कि नहीं हमें शादी भी करना है तो वो घर पर भी आती है। यहाँ जो शिविर लग रहा है वो कितने दिन के लिए लगता है? ये शिविर हमारा कभी 18 से 20 दिन तक का लगता है। ये हमारा 8वां प्रशिक्षण शिविर है, 8 साल से हम इस प्रशिक्षण शिविर को लगा रहे हैं महिला समाज के द्वारा। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें यहाँ अग्रवाल समाज में प्रशिक्षण लगाना है? दिमाग में क्या, जब हमारा पहली बार यह समाज का गठन हुआ महिला समाज का, तो हमने ये सोचा कि गर्मियों की छुट्टियों में मतलब हम कुछ ऐसा काम करें, हमारी महिला है जो सभी मतलब आगे हमारी लड़कियाँ विकास के पथ पर आगे अपना खुद का स्वरोजगार खोल सकें। तो यहाँ से हमने सिखाने की प्रक्रिया शुरू करी, लड़कियों का काफ़ी अच्छा रुझान रहा, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सीखना भी हम केवल समाज का ही सिखाते हैं, हमारी इच्छा है कि हम आगे दूसरे समाज की लड़कियों को भी सिखाएं। इस तरह के शिविरों का आयोजन हमारे भारत में होता रहना चाहिए, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिले व बढ़ती हुई बेरोजगारी पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। इन शिविरों में छोटे थोड़े से पैसे से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन शिविरों में उनको अपनी कला का अनुभव धीरे धीरे होता चला जाएगा। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।